हाय एवरीवन, नो डाउट सारे के सारे आईएएस के कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे थे किरण मकड़ मैम के पीडीएफ्स का। तो पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है सभी को, अगर नहीं हुआ है फिर भी मुझे बता दीजिए क्योंकि लगभग सारे स्टूडेंट्स को हो चुका है। तो आज हम इसी पीडीएफ की नंबर वन जो क्यू कार्ड है उसको देखते हैं। डिस्क्राइब एन इंग्लिश क्लास लेसन दैट यू एंजॉयड। यू शुड से व्हाट वाज टॉट इन द क्लास, व्हेन डिड यू टेक क्लास, वेयर इट वाज, व्हाट डिड टीचर डू दैट मेड यू एंजॉय इट। सो आंसर देखते हैं। इंग्लिश इज नॉट माय मदर टंग, I had learned English in my childhood. However, because of lack of practice, I thought I needed to revise my basics before I took the IELTS exam. So recently, I attended the English class while I was starting my preparation. Actually, when I started the preparation, my teachers told me that I was making grammatical mistakes and I was making errors in use of tenses especially. At first, I picked up the grammar book by Martin, but it was too big. I think I read the first chapters and then gave up. I did not have the time to practice to read the whole book, so I searched for some English tenses lessons on YouTube, and I came across a group of lectures on various tenses on a channel called Learn English with Millie. The lecture had me hooked from the get-go. इस लाइन, ये जो idiom की तरह एक लाइन, इसका मीन्स होता है कि जो लेक्चर्स हैं उसने मुझे हुक्ड कर लिया, यानी कि किसी चीज़ के टूवर्ड अट्रैक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं हुक्ड फ्रॉम द गेट गो। जब से देखा तब से अट्रैक्शन हो गया, तो गेट गो यानी जब से मैंने इस लेक्चर के गो थ्रू हुआ तब से मैं उस पर हुक्ड हो गया, वहाँ पर ठहर गया। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर्स वॉज दैट डू दे मेड कंपेरिजन्स बिटवीन द टेंसेज। इट वॉज लाइक द लेक्चर्स हैड बीन कस्टम मेड टू एड्रेस द प्रॉब्लम दैट आई वॉज फेसिंग, बिकॉज द मेन प्रॉब्लम आई वॉज फेसिंग इन द टेंसेज। द टीचर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल, and although the lectures were too long, I did not get bored. I think it was because of the humor. After every few minutes, teacher said something that grabbed my attention and made me alert. I never felt like I was attending a lecture but rather enjoying a conversation. I think my English has improved a lot of because of those lessons. And I am really glad and stumbled upon those videos. So guys, ये हमारा क्यू कार्ड नंबर वन कम्प्लीट हो गया। अगर इसके फॉलोअप्स आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और इससे डिफरेंट आइडिया चाहिए तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, सो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच।